हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लास में डॉक्टर धर्मेन वर्मा और मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर धर्मेन। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेट जीआरएफ एग्जाम के फर्स्ट पेपर के लिए कौन सी किताबें हमें पढ़नी चाहिए। जी हां दोस्तों, वो कौन सी किताबें हैं जिनको पढ़ने के बाद हमारा नेट जीआरएफ का जो एग्ज़ाम है उसका जो फर्स्ट पेपर है वो अच्छे से हम सॉल्व कर सके, उसमें अच्छे नंबर हम प्राप्त कर सके। जी हां दोस्तों, तो इसी विषय पर हम बात करेंगे और मैं आपको उस किताब का नाम बताऊंगा और उसको आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, पक्का आपका फर्स्ट पेपर जो है वो पास हो जाएगा, साथ ही बहुत अच्छे मार्क्स आप प्राप्त कर सकेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट, यदि आप चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरे और आने वाले अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, लाभ बेनिफिट आपको मिलता रहे। तो लीजिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक। जीआरएफ का जो पेपर है वो जैसा कि आप सभी को पता है कि एनटीए द्वारा आयोजित करवाया जाता है, साल में दो बार ये पेपर होता है। अब दोस्तों कई लोगों का सपना होता है कि नेट की परीक्षा पास करें और नेट ही नहीं बल्कि जीआरएफ भी आप साथ में पास करें। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि नेट जीआरएफ पास करने से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है आगे जा करके, तो इसके लिए अलग से मेरा वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं चैनल पर। बाकी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नेट जीआरएफ का जो पेपर है, जैसा कि इसमें आपको पता है दो पेपर लगते हैं, पहला पेपर कॉमन होता है सभी के लिए और दूसरा पेपर जो है वो सब्जेक्ट का होता है। तो पहला पेपर जो है उसके लिए कई व्यूवर्स ने मुझसे कहा कि सर अच्छी सी किताब हो तो आप बताइएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि देखिए, फर्स्ट पेपर जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोनों ही पेपर के मार्क्स जुड़ के उनका टोटल जो है उससे परसेंटेज आपकी बनती है और उसी से आपका चयन होता है, यानी कि आपका नेट या जीआरएफ जो भी आपको मिलना होता है वो दोनों ही पेपर का टोटल होकर के आपको मिलता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो जितना महत्वपूर्ण सेकंड पेपर है उतना ही महत्वपूर्ण फर्स्ट पेपर है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। तो सबसे अच्छी और महत्वपूर्ण बात ये है कि फर्स्ट पेपर में आप जितने अच्छे मार्क्स लेके आएंगे उतना ही आपका जीआरएफ होने का चांस ज़्यादा रहता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर दिक्कत वाली बात है कि फर्स्ट पेपर जो है वो बहुत कठिन लगता है। जी हाँ, कई व्यूवर्स कई स्टूडेंट्स से मेरी बात हुई, उन्होंने मुझसे यही कहा कि सर कि जो फर्स्ट पेपर है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, अलग अलग मैथ भी है और टीचिंग एप्टीट्यूड भी है और भी कई सारी चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं पढ़ने में बहुत दिक्कत आ रही है, समझने में दिक्कत आ रही है। तो कौन सी वो किताब है जिसको हम पढ़ करके पहले पेपर में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, तो मैं आपको बता दूँ, देखिए कि अगर हम पिछला स्कोर देखें तो मार्केट में देखिए एक किताब है केवीएस मदान राइटर की। जी हाँ दोस्तों, केवीएस मदान एक राइटर है, उनकी किताब आती है फर्स्ट पेपर के लिए नेट जीआरएफ के लिए, बहुत अच्छी किताब है। और साथ ही किताब और है प्रतियोगिता साहित्य सीरीज, ये भी आप ले सकते हैं। दोनों ही किताबों में से जो आपको बेस्ट लगे वो आप ले सकते हैं। और वैसे पिछला रिकॉर्ड आप इनका देखें तो मेरे ख्याल से दोनों ही किताबें वैसे ठीक है, बट फिर भी केवीएस मदान जो है उसका रिजल्ट थोड़ा ज़्यादा ठीक दिखाई दे रहा है। दोस्तों क्योंकि केवीएस मदान जो किताब है उसका पिछला रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, तो उसे आप पढ़ सकते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, इस किताब को यदि आप अच्छे से कम 3 बार इस किताब को आप पढ़ें। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मेरा आपसे यही कहना है कि एक बार पढ़ने से काम नहीं चलेगा, कम से कम आपको 3 बार इसको पढ़ना है, अच्छे से रिविज़न करना है, समझना है, एक एक चैप्टर को अच्छे से क्लियर करना है। जी हाँ दोस्तों, तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है। और ये जो किताब मैंने आपको बताया बहुत अच्छी किताब, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। इसका जो पिछला स्कोर है, पिछला रिजल्ट है, वो बहुत अच्छा रहा है, ऐसा देखने में आ रहा है, सुनने में भी आ रहा है, तो किताब बहुत अच्छी है। और यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बता दिया, दूसरी किताब प्रतियोगिता साहित्य सीरीज, उसे भी आप देख लें, यदि उसकी लैंग्वेज भी आपको अच्छी लगे तो वो भी आप ले सकते हैं, वो भी बेस्ट है। दोस्तों इन दोनों में से कोई सी भी किताब आप ले लीजिएगा और अच्छे से कम 3 बार रिवीजन जरूर करिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो पक्का आपके अच्छे मार्क्स मिलेंगे और नेट ही नहीं बल्कि आप जीआरएफ भी प्राप्त कर सकते हैं, पहले ही प्रयास में फर्स्ट अटेम्प्ट में आप जीआरएफ हासिल कर सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों, नेट जीआरएफ परीक्षा पास करने के लिए जो कौन कौन से टिप्स हैं आपके लिए बहुत ही यूजफुल हैं, उस पर भी मैंने वीडियोस बनाए हुए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप उस वीडियोस को भी देख सकते हैं। बाकी यदि और भी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड काफ़ी वीडियोज़ भी चैनल पर मिल जाएंगे, उन्हें भी आप जरूर देखिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई बात और एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।